हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे अदानी पावर शेयर के बारे में। फ्रेंड्स, इस शेयर से में अभी गिरावट हो रही है, ये गिरावट कहाँ तक रुकेगी और ये कब बाउंस बैक करेगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि अदानी पावर का शेयर 302 का हाई बना चुका था एंड 302 का हाई बना के फ्रेंड्स 284 तक आ गया है। करंट प्राइस चल रहा है शेयर का 284.60। तो फ्रेंड्स, क्या ये यहाँ से बाउंस बैक करेगा या फिर अभी गिरावट और हो सकती है, तो इसके बारे में वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि 291 इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट था, बट उसे ब्रेक कर चुका है एंड देन नाउ 284 पे ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, 291 पे आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग बढ़ गई थी और इसलिए उसके बाद ये शेयर आपको और नीचे जाता देखने को मिला। आपको बताना चाहूँगी कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लास्ट सेशन में भी 1 करोड़ 70 लाख के शेयर्स ट्रेड हुए हैं सेलिंग में। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट सपोर्ट जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो आपको बताना चाहूँगी, वो है 280 का। तो फ्रेंड्स, 280 का बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक ज़रूर कर जाना चाहिए। बट अगर यहाँ से अगर 280 का सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है तो फ्रेंड्स ये 260 तक जा सकता है, ये आपको अपने माइंड मेकअप करके रखना है। 280 का बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, बट अगर ब्रेक कर जाएगा तो 260 तक जा सकता है। तो दो चीज़ें हो सकती है फ्रेंड, या तो 280 से बाउंस बैक कर जाएगा तो आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, बट अगर 280 के सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो ये फ्रेंड्स 260 तक जा सकता है। फ्रेंड्स, कोई शेयर में नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। आपको एक न्यूज़ और बताना चाहूंगी कि इनके कुछ पावर प्लांट्स हैं, अब इनके कुछ पावर प्लांट्स को शिफ्ट करना है फ्रेंड्स रिन्यूएबल एनर्जी पे, बिकॉज गवर्नमेंट ने टारगेट दिया है कि 2026 तक रिन्यूएबल एनर्जी में इन्हें अपने पावर प्लांट्स को शिफ्ट कर रहा है, तो वो भी काम चल रहा है। फ्रेंड्स, 280 का सपोर्ट हमेशा याद रखना, 280 सपोर्ट को लेके बाउंस बैक जरूर कर सकता है, चांसेस पॉजिटिव हैं बाउंस बैक करने के। अगर आप 2 to 3 months का इसमें प्रोस्पेक्ट रखते हैं तो आपको धीरे धीरे अगर आप एवरेज करना चाहें तो एवरेज भी कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए शेयर फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। बट अगर अभी मार्केट में करेक्शन चल रहा है, सेलिंग प्रेशर है, प्रॉफिट बुकिंग है और ग्लोबल इशू है, उस रीजन से ये नीचे आ रहा है, तो आप अपना थोड़े थोड़े अमाउंट के इसमें एवरेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट 280 से बाउंस बैक कर जाएगा तो आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, और फ्रेंड्स अगर 280 को ब्रेक कर देता है तो डाउन ट्रेंड में आप टारगेट 260 रुपीज का लेके चल सकते हैं। और न्यूज़ ये थी फ्रेंड्स कि इन्हें अपने कुछ पावर प्लांट्स को अब रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स में शिफ्ट करना है, उसका वर्क भी ये करेंगे अब 2026 तक फ्रेंड्स ये कर लेंगे। सो दिस इज अ लेटेस्ट अपडेट, और मैंने आपको ट्रेंड भी बता दिया कि अप ट्रेंड में कहाँ तक चला जाएगा और डाउन ट्रेंड में कहाँ चल जाएगा। 280 से अगर बाउंस बैक कर जाता है तो आप इसको 290 तक फ्रेंड्स आराम से देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अदानी पावर शेयर। कोई नेक्स्ट अपडेट आता है, कोई नेक्स्ट ट्रेंड आता है मंडे को, तो मंडे को डेफिनेटली दोबारा बताऊंगी। एंड फ्रेंड, दिस वीडियो इज अगेन ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अपनी हार्ड एंड मनी को कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से रिसर्च करना बहुत जरूरी है, तो हमेशा करिए। एंड थैंक यू सो मच।